सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लिए लाया हूं 11 सितंबर का करेंट अफेयर्स। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था निम्न में से किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए, यह दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजभाषा कन्नड़ है। इसकी राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। इसके राज्यपाल बिजू भाई वाला, मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा। विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 225 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप गुमन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्पना चावला। एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप गुमन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप गुमन कॉरपोरेशन ने अपने नए लॉन्च होने वाले सिग्नल स्पेसक्राफ्ट का नाम एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर रखा है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी। साल 2003 में अंतरिक्ष यान में हुई एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परवेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन परवेश रावल बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय नाटक के विद्यालय रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो दिल्ली में है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में की थी। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत पंडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत पंडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून है। सबसे बड़ा शहर देहरादून है। इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। इसका गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधानसभा में 71 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। श्री पार्थ सारथी को तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर राज्य बना है। इसकी राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर हैदराबाद। राजभाषा तेलुगु उर्दू। गठन हुआ था 2 जून 1914 को। राज्यपाल है तमिलसाई सोदर राजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद में 46 सीटें, विधानसभा में 119 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है और मुंबई महाराष्ट्र में भी है। इसके अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। इसकी राजधानी कानूनी हैदराबाद है और वास्तव में अमरावती है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। राजभाषा तेलुगु है। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। इसके राज्यपाल ने विश्वभूषण हरिश्चंद्र, मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, कांग्रेस से है। विधान परिषद की सीटें 58, विधानसभा की सीटें 176, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं BRICS सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रहलाद सिंह पटेल। रूस द्वारा आयोजित 5वीं BRICS सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्याओं की दर पर रोक लगाना है। सितंबर माह के कुछ इंपोर्टेंट डे हैं, उनके बारे में आपको रिवीजन करा देता हूँ। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और शांति और अहिंसा के लिए दिन मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है कैंसर रोगियों का कल्याण के लिए। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को डे ऑफ डे दिवस मनाया जाता है और विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है और विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सितंबर का चौथा रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानून सेवा समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।